आत्मनिर्भर योजना तहत 5 लाख का कर्ज देने का दावा करने वाली कंपनी अब पुलिस के शिकंजे में फंस चुकी है। इस मामले में पुलिस ने 21 लोगों के बयान दर्ज करके विजन ऑफ लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ फ्रॉड का मामला चौकशी में रखा है। इसमें 41 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। शहर के नंदोरी मार्ग स्थित महाकाली नगरी में मेला लगाया गया था, जिसमें विदर्भ के चंद्रपुर से लेकर बुल्ढाणा से लोग आए थे। सुबह 8 बजे से इस जगह चहल पहल हो रही थी। कुछ लोग मराठवाड़ा के जालना से भी आए थे। इस समय इन लाभार्थियों को इंडोनेशिया का चेक दिया गया। जब ये चेक लेकर बैंक गए तो उन्हें बताया गया कि ये चेक कैश नहीं हो सकता है। इसके साथ ही इन लोगों को पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और मामला पुलिस में पहुंचा। इन लोगों ने 10,250 रुपए देकर इस गेम में रजिस्ट्रेशन किया था। उनके साथ धोखाधड़ी होने का एहसास होते ही कुछ लोगों ने थाने में आकर जानकारी दी। दर्ज के बाद आगे की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम और थानेदार संपत चौहान के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक दीपेश ठाकरे, पपिन रामटे की और अभिषेक बाकड़ी कर रहे हैं। इता आलो लोन साठी लोन से किती महिना का आम्हाला काय करता मी ते आलो होतो। त्यानंतर मग यांनी चेक दिला 10,250 रुपये आमच्याकडून इन्शुरन्स फी घेऊन घेतली आहे। आणि नंतर आम्ही चेक घेऊन गेलो बँकेत, तर बँकेमध्ये तो चेक ॲक्सेप्ट नाही झाला आहे, कारण त्यांनी म्हटलं आहे चेकची जी क्वालिटी आहे खूप लो आहे आणि 15 दिवसानंतर यांनी जसं सांगितलं 3 दिवसामध्ये होणार आहे म्हणून, पण होत आहे ते 15-20 दिवसानंतर होईल, ते बी मे बी नाही होईल याची गॅरंटी नाही आहे। RBI जी लिस्ट आहे, RBI जी बँकेची लिस्ट आहे, त्या बँकमध्ये ही बँक सर्च केली तर मला ही बँक नाही दिसली। यांनी 5 लाखाचा हा बिझनेस म्हणजे काही फ्रॉडलेस आहे, लोकांकडून पैसे गोळा करून घेणे आहे आणि काही ते बँक आहे नाही आहे। मागणी हेच आहे की आमचे पैसे जे 10,250 आहे परत द्यावे। यांनी मी आपल्या घराचे दागिने गहाण ठेवून मी पैसे आणले। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येणुरकर की रिपोर्ट।